नमस्ते बच्चों, आज हम सेवंथ क्लास में आपको पढ़ाने जा रहे हैं 13वां पाठ जिसका नाम है नीलकंठ। आज हम इसका पहला पाठ पढ़ाएंगे। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। बात कर लेते हैं कठिन शब्दों की। तो पहले अतिथि का मतलब होता है मेहमान, आदेश का मतलब होता है आज्ञा, सलाम का मतलब होता है नमस्ते। चिड़ी मार यानी पक्षियों को पकड़ने वाला जो शिकारी होता है उसे चिड़ी मार कहते हैं। रोजगार का अर्थ होता है बच्चों काम धंधा। और तूफान मेल यानी तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है उसको अपन तूफान मेल कहते हैं। बड़े मियाँ का अर्थ होता है मुसलमानों का एक आदर सूचक शब्द होता है बड़े मियाँ। निरीक्षण का मतलब होता है ध्यान से देखना। और खासियत का मतलब होता है विशेषता। मूंजी का मतलब होता है कंजूसी। अस्तु का मतलब होता है फिर से। सजीव यानी होता है सजीव। तो बच्चों नीलकंठ जो पाठ है ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। महादेवी वर्मा लिखती है कि एक दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचा कर मैं लौट ही रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, सलाम गुरुजी। पहली बार आने पर आपने मोर के बच्चों से पूछा। शकरगढ़ से एक चिड़ी मार दो मोर के बच्चे पकड़ कर लाया। एक मोर है एक मोरनी है, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को मैं उनको कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं, वैसे वह कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है। यह पकड़ो पकड़ो मारो मारो। लेखिका कहती है इसमें क्या है, महादेवी वर्मा एक लेखिका है और उसने बड़े मियाँ चिड़ी वाले की मनोदशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब आगंतुक को स्टेशन छोड़कर एक दिन वापस आ रही थी तो उसे चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आया। और लेखिका जब बड़े मियाँ चिड़ी वाले के पास में पहुँची तो उन्होंने अपने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। जब ड्राइवर रुका तो कुछ प्रश्न उससे पहले ही बड़े मियाँ ने आकर के उनके सामने दागने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, गुरुजी सलाम, आप कुछ दिन पहले मोर के बच्चों के लिए आप बोल के गए थे तो शकरगढ़ में एक चिड़ी मार है, वह मोर के दो बच्चों को पकड़ के लाया है। उनमें से एक नर है और एक मादा, अर्थात एक मोर है दूसरी मोरनी है। आप इनका लालन पालन कर लीजिए, अन्यथा कोई दूसरा शिकारी इसको पकड़ करके ले जाएगा और मार करके खा जाएगा। बच्चों आपको मालूम है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर को किसी भी प्रकार से मारना या चोट पहुंचाना कानूनी अपराध है। इसलिए हमें अच्छा मोर कितना सुंदर होता है और मोर से हमारे देश में कितनी सुंदरता बढ़ती है। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें किसी प्रकार का इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आप जानते हैं मोर के पंजे से क्या बनती है दवा, इसलिए कुछ आदमी इसको खरीद के ले जाते हैं और मार करके दवा बना लेते हैं। तो गुरुजी मैं भी तो इंसान हूँ, किसी को यूँ मारने के लिए चिड़ियों को मैं क्या दे दूँ, ऐसा मेरा मन बनाइए। ये बात बड़े मियाँ ने कही थी, इसलिए बात को घुमाने के लिए मैंने कह दिया ये गुरुजी ने मंगवाए हैं। वह चल तो गए पर मैं सोचता हूँ पेशा गंदा है, हमेशा एक धुन सवार रहती है, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, मन बहुत दुखी होता है। लेकिन करे क्या, हमारा पेशा है, हमारी आमदनी इनसे होती है ना। बड़े मियाँ के भाषण भी तूफान मेल की तरह एक निश्चित स्टेशन पर नहीं है सुनना, यानी सुनने वाला थककर वहीं रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाएगा। यानी बड़े मियाँ जब अपनी स्पीड से बोलते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते, हमें यदि किसी रोकना है तो बीच में टोकना पड़ेगा। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ ने हाथ से संकेत का अनुकरण करते हुए मेरी दृष्टि उस तार के
छोटे से पिंजरे पर पहुंची, जिसमें तीतर के समान दो छोटे छोटे मोर के बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वह पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र के समान लग रहे थे। लेखिका बड़े मियाँ के स्वभाव से परिचित थी। वह जानती थी कि चिड़िया वाला मियाँ बहुत बातूनी है, ये बात बोलना शुरू करता है तो लगातार बोलते ही जाता है, सुनने वाला जब उन्हें रोकता है तभी रुकते हैं। ये सब जानने के लिए लेखिका ने बीच में ही बात यानी बड़े मियाँ की बात काटी और पूछा कि मोर के बच्चे कहाँ हैं। बड़े मियाँ ने अपने हाथ से इशारा किया और संकेत कर दिया कि उधर है। उधर मैंने देखा तो पिंजरे के अंदर तीतर के बच्चे जितने छोटे छोटे दो मोर और मोरनी के बच्चे थे। पिंजरा बहुत छोटा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी दीवार पे बनाए चित्र के समान लग रहे हैं। बच्चे उसमें उछल कूद भी नहीं कर पा रहे थे, छोटा और संकुचित पिंजरा था ना, इसलिए दोनों बच्चे एक जगह बैठे थे। वह किसी भी जैसे कोई फ्रेम में मंडवा दिए इस प्रकार से लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ कई बड़े मियाँ को भाषण मेल चलती जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए, 12 कहा। भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत ही नहीं है तो इतनी बड़ी रकम मांगने वाला है, पर वह मुझसे कहाँ सुनने वाला। आपका ख्याल आते ही अच्छता पस्ता देना ही पड़ा। अब आपको मुनासिब, आप जो भी मुनासिब समझे। फिर से वापस बोलने लगा। 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने ये पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का जो जीवित चित्र मेरे मर्म में आ रहा था। दोनों पक्षी छटपटाने लगते हैं और मानो पिंजरा ही सजीव होकर के उड़ने योग्य बन रहा है। यानी लेखिका कह रही है कि पिंजरे में मोर के जो बच्चे थे वो बारीकी से देख रहे थे। बड़े मियाँ चिड़ी वाले अपनी लंबी लंबी बातें गाते जा रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी इंसान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि चिड़ी वाले ने मुझसे 30 रुपये मांगे, अब मुझे 5 रुपये आप इनाम के दे करके 35 रुपये में सौदा पटा लीजिए। और लेखिका ने बड़े ही सहज भाव से वो 35 रुपये में पिंजरा रखवा लिया। ठीक है, और लेखिका को ऐसा लग रहा था कि गोल जाली वाले जड़े वाली वो चित्र जैसे उसके सामने आए थे ना, आँखों के सामने की किसी फ्रेम में मंडवा रखे, उसी प्रकार अभी भी उनके दृश्य सामने आने लगे। पक्षी के दोनों बच्चे जब हलचल करते तो ऐसा लगता कि मानो पिंजरा जीवित हो गया है, मानो पिंजरा उड़ने लायक हो गया है, इस प्रकार आनंद का अनुभव किया जा रहा था। घर पहुंचकर सब कहने लगे, तीतर है मोर कह करके तुमको ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण हम ठगने की बात भी कह सकते हैं, हैं चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। यानी हम कोई चीज़ लेकर आए और हमारे घर वाले हमको कह दें कि इतने पैसों में आपको ठग लिया, तो हमारे मन में ये ईर्ष्या होती है कि हम क्यों लेके आए, या हम ठगे गए तो फिर हमें लाना ही नहीं चाहिए था। अप्रसन्न होकर के मैंने कहा, मोर ने क्या सुखराव के लगते हैं, ये पक्षी ही तो है। चिड़ा दिया जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई है। इसमें लेखिका माधवी वर्मा बता रही है कि मोर के बच्चों को तीतर के बच्चे बताकर घरवाले उसका उपहास कर रहे थे, इसके कारण उनको थोड़ी क्रोध आया। बड़े मियाँ से मोर के बच्चे जब लेखिका लेकर घर पहुंची थी तो घरवालों ने उनको चिढ़ाने के बहाने कहा था कि ये बच्चे मोर के नहीं हैं, तीतर के हैं। कई बार ठगे जाने के कारण लेखिका इस बात से चिढ़ गई थी और बोली, मोर क्या ज़्यादा सुंदर होते हैं, तीतर है तो तीतर ही सही। इस घटना के बाद लेखिका उन दोनों पक्षियों के ख्याल में थोड़ा ध्यान अधिक देने लगी, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में निश्चित करके कोई चीज़ लाते हैं और यदि लोग उसके मोल भाव करने लग जाते हैं तो हमारे मन में एक तरह का एक छोटा सा एक शंका सा बनता है कि हम
लोग कहीं ये तो नहीं कहते कि हम ठगे गए, हम बार बार जाकर के दुकानों में उसके भाव पूछते हैं ताकि हम ये क्लियर करना चाहते हैं, फिर हमको लगता है नहीं हम ठगे नहीं गए, तब हमारे घर वाले हंसते हैं कि हमने तो मजाक किया था, इस प्रकार उपवास किया था। तो बच्चों ये पार्ट फर्स्ट आज इतना ही, अगले वीडियो में पार्ट सेकंड में आपसे मिलेंगे। लेकिन अभी इसके कुछ प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ, आपको कॉपी में करने हैं तो लिख लीजिए ये प्रश्न, एक बार मैं फिर से रिपीट भी कर दूँगा। लिखिए पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर एक लिखिए, किसके पंजों से दवा बनती है, आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। लेखिका ने किसकी दुकान पर रुकने का ये पांच प्रश्न मैंने आज आपको दिए हैं, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट किए देता हूं। हमारा पहला आज का प्रश्न है किसके पंजों से दवा बनती है, दूसरा प्रश्न है आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, ये बात किसने कही थी, तीसरा प्रश्न है लेखिका ने किसकी दुकान पर रुकने का इशारा किया था, चौथा प्रश्न है मोर के बच्चे किस पक्षी की तरह लग रहे थे, और पांचवा प्रश्न है पिंजरा कार में रखने पर कैसा लगता है के लगता था, कैसा महसूस हुआ लेखिका को, ये बात आपको लिखनी है। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।